इतने सारे डीएम्स, इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी मेल, मैम क्या सच में झाइयां ठीक हो सकती हैं? क्योंकि आपकी बात सुन के, आपकी वीडियो देख के एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, वाकई में हम झाइयों को भी ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी लाइफ भी बहुत अमेजिंग चल रही है। बस आप लोगों की दुआ है, प्यार है, धीरे धीरे करके उपासना की दुनिया का परिवार बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। आज फिर से घूम फिर के उसी विषय को लेके आए हैं, झाइयां मेलाज्मा, झाइयां मेलाज्मा। और बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, मैम क्या वाकई में नवारा ट्रीटमेंट से झाइयां ठीक हो सकती हैं? हमने कभी इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना। मुझे भी यार बहुत साल लगे रिसर्च करके इस ट्रीटमेंट को लाने में। और जी हाँ, आप झाइयों को ठीक कर सकते हो, मैंने कभी ये नहीं कहा 100%, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे अपने शरीर का भी नहीं पता, मैं आपका कैसे बता सकती हूँ। लेकिन 90%, 100%, 95%, 80% जितना क्लीन होगा, उसके बाद 1,00,000% मेरी श्योरिटी है कि अगर आप मेरी बताई गई ड्यूरेशन को कंप्लीट करते हैं, दैट विल नॉट रीअकर अगेन। ये मेरी पूरी 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 गारंटी है आपको। तो आप लोग बेफिक्र होकर हमारी रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेफिक्र होकर आप हमारे ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। नवारा ट्रीटमेंट के लिए आपको विजिट करना होगा। उन लेडीज के लिए भी गुड न्यूज है जो दूर रहती हैं, यहां नहीं आ सकती थी क्योंकि उनके घर वाले अलाउ नहीं करते थे होटल में अकेले रहने का। तो हमारी अकोमोडेशन जो है 10th of March से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की जो है नींव हमने रख दी है, जस्ट ओपनिंग के लिए 10 days रह गए हैं और उसके बाद से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज बात करेंगे झाइयों को लेके, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन। और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है, मतलब ये जो लोग मेरा ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनका सीजन चेंज होता है तो वो ब्लैक दिखती है। उसका रीजन है जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो नीचे की जो स्किन है ना, जो डल हुई होती है, वो क्लीन होने लग जाती है, तो ऊपर का पैच ब्लैक दिखता है। लेकिन आप सब्र रखिए, वो जो ब्लैक दिख रहा है वो कुछ टाइम में अपने आप ब्रेक होके कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। बहुत डिफरेंट, बहुत 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 डिफरेंट बट बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आज स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय मिनी किचन। देयर आर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें मुझे ऐड करना है थोड़ा सा ओट्स पाउडर, ठीक है, प्लेन ओट्स लेने हैं, हमें गालों पे तड़का नहीं लगाना है। सेकंड इंग्रेडिएंट इज राइस पाउडर, ठीक है, क्योंकि ओट्स भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं और राइस का तो आपको पता ही है, इससे बेस्ट इंग्रेडिएंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा फ्रेश टोमेटो जूस, तो ये मैंने इस तरह से निकाला और ये मैंने इसका डाल लिया जूस। जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है पोटैटो जूस। तो हमें कैसे निकालना है, पहले मैं इसको करूंगी अच्छे से कद्दूकस इस तरह से। तो ये मैंने कर लिया पोटैटो कद्दूकस, अब इसका निकालना है मुझे फ्रेश जूस। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया पोटैटो जूस, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था पहला इंग्रेडिएंट था राइस पाउडर, सेकंड इंग्रेडिएंट था ओट्स पाउडर, थर्ड इंग्रेडिएंट था टोमेटो जूस, फोर्थ इंग्रेडिएंट था पोटैटो जूस। अब ये हो गया और ये मैंने कर लिया यहाँ पे पेस्ट रेडी, ये इस तरह से, ठीक है। अब जिन लोगों को लेमन से एलर्जी नहीं है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों को लेमन से एलर्जी नहीं है वो इसमें 2 से 3 drops लेमन ऐड कर सकते हैं। जिनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन्हें लगता है कि वो ऐड नहीं कर सकते, तो उन्हें इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पेस्ट लेके पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि नहीं यार, मेरी ना पिगमेंटेशन सिर्फ इस जगह पे है, मैं पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, ये रेमेडी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये इस चैनल पे जो भी रेमेडीज आती है वो दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यार कोई बाहर से लड़के ही करेंगे, लड़कियां ही करेंगे, नहीं। बॉयज भी बहुत ज्यादा परेशान है पिगमेंटेशन को लेके, सन के एक्सपोजर में जाने से, मतलब लाइक उनका ट्रैवलिंग इतना ज्यादा होता है कि उनकी बर्न होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद मेलाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। पीलिंग, PRP, डर्मा रोलर, मतलब पता नहीं क्या क्या हमने कर लिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, मतलब जैसे ये अप्लाई कर लिया, इससे तो खुशी होती है लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी होती है उन पेशेंट्स के रिव्यू देख के जो क्लिनिक पे आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम 6 साल से थी
कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो हमने छोड़ी हो लगाने के लिए, पर सब बड़ा आपकी रेमेडी 2 महीने लगाई और इतना आराम आ गया, और अब हम ट्रीटमेंट लेने आए हैं कि आपके ट्रीटमेंट से हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ना एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है कि यार मतलब सच में कुछ अच्छा कर रही हूँ। आप लोग इतनी दूर हो मुझसे, मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा सामने से, एक वीडियो के माध्यम से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बट मैं जो चीज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ आप बहुत प्यार से उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है ना, मतलब सच में तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद 30 मिनट्स के बाद जब ये प्रॉपरली सूख गया, तो आपको क्या करना है, गुलाब जल लेके धीरे धीरे करके इसका स्क्रब करना है पूरे फेस पे। स्क्रब करने के बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठीक है, ये इस रेमेडी का फर्स्ट स्टेप है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसके इंग्रेडिएंट राइस पाउडर, ओट्स पाउडर, टोमेटो जूस, पोटैटो जूस। ठीक है, वॉश करना है इनमें गुलाब जल से लेके स्क्रब करना है और क्लीन करना है पानी से, फेस वॉश का यूज नहीं करना है। अच्छा एक चीज पता है, मेरी वीडियोस ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, रेमेडीज बहुत सिंपल है, आप इजीली समझ सकते हो, फिर भी कई बार ना क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, क्या हम इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ अगर किसी रेमेडी का कोई सब्स्टिट्यूट है तो मैं आपको साथ में बता दूं, लेकिन अगर किसी का नहीं है तो वहां पे नहीं बताती हूँ, आपको एज इट इज फॉलो करनी है। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा आपके पास अवेलेबल नहीं है, मिसिंग है, आप उस रेमेडी को स्किप कर दो। इसीलिए इस चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज है, आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, हर रेमेडी में आपको रिजल्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है इस रेमेडी को कितने दिन तक यूज करना है। मिनिमम यूज आपको करना है 1 मंथ तक, 1 मंथ तक यूज करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली कंटिन्यू कर सकते हो। और किसी भी रेमेडी को परफॉर्म करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो इवनिंग टाइम होता है, वो चीज मैंने हमेशा आप लोगों को बताई है। सिंपल सी रेमेडी थी पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव। वीडियो देख ली आपने, रेमेडी सुन ली, लेकिन अभी तक भी अपना काम आप लोगों ने नहीं किया, वो क्या कि एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है भाई। बहुत सारे लाइक दो, लाइक एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप लोग तो फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत पैसा वेस्ट कर चुके हैं, लाइक 2-2, 3-3 लाख रुपए वेस्ट कर चुके हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे, अब हम उन्हें भी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कैसे, एंगेजमेंट बढ़ा के। आप जब तक एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लाइक नहीं करेंगे तो हम वो रीच नहीं कर सकते। तो प्लीज उसके लिए वीडियो को लाइक करना, कोशिश करिए वीडियो को शेयर करने की। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार दिया है, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी अच्छी अच्छी रेमेडीज लेके आने की। इस रेमेडी को ट्राई करो, और इसके साथ अब समर स्टार्ट हो रही है तो डिटॉक्स वाटर लेना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है आपको, एक जग लेना है, उसमें आप आधा कुकुम्बर काट के डाल दीजिए और उस पानी को पूरे दिन में पीजिए। धीरे धीरे करके डिटॉक्स वाटर लेना स्टार्ट करेंगे, बॉडी क्लीन होती जाएगी, डिटॉक्सिफाई होती जाएगी, चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर उसे पीना है जितने दिन तक आप पीना चाहें। तो ये मेरे पेशेंट है शिप्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शिप्रा, शिप्रा की प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए शिप्रा। एक्चुअली मेरे को PCOS था फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स, और उसके बाद मैंने मैम से कंसल्ट किया अराउंड इन द मंथ ऑफ जून 2022 में, और उसके बाद फिर मेरी मेडिसिन चल रही थी, और उसके बाद फिर मेरा शादी हुआ नवंबर 2022 में। नाउ आई कंसीव, नाउ रिजल्ट पॉजिटिव है जनवरी में, एंड थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा हेल्प करने के लिए, क्योंकि एलोपैथी से और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अलग अलग मेडिसिन दिए पर कुछ वर्क नहीं किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिप्रा, थैंक यू। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।